आईपीएल 2023 के एक रोमांचक मुकाबले में पंजाब किंग्स ने वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस को 13 रनों से हरा दिया। दरअसल सीजन में पहली बार अपने रंग में दिखे आईपीएल नीलामी में सबसे महंगे विके इंग्लिश प्लेयर सैम करन ने दमदार अर्धशतक जड़ा। उनकी हरप्रीत सिंह के साथ निभाई गई 50 गेंदों पर 92 रनों की दमदार साझेदारी के बाद अर्शदीप सिंह 20वें ओवर में कमाल की बॉलिंग की। मैच में पंजाब ने 8 विकेट पर 214 रन बनाए थे, जबकि मुंबई की टीम 6 विकेट पर 201 रन बना सकी। मैच के हीरो भले ही सैम करन रहे हों और उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया हो, लेकिन आखिरी ओवर में जिस तरह की खूंखार बॉलिंग अर्शदीप सिंह ने की उसे देखकर हर कोई हैरान था। अर्शदीप ने लगातार 2 गेंदों पर 2 मिडल स्टंप तोड़े। आईपीएल में उपयोग किए जाने वाले एलईडी स्टंप और गिल्लियां बहुत महंगी होती हैं। रिपोर्ट्स की माने तो एलईडी स्टंप और जिंक्स बेल के एक सेट की कीमत तकरीबन $40,000 यानी कि 30 लाख रुपए है। वहीं स्टंप्स और जिंगबेल्स में लगी एलईडी और सेंसिटिविटी मीटर्स के कारण ये स्टंप सामान्य सेट की तुलना में बहुत अधिक महंगे होते हैं। एलईडी स्टंप और जिंगबेल का पहली बार इस्तेमाल 2014 आईसीसी T20 विश्व कप में किया गया था। तब से ये प्रमुख सफेद गेंद वाले क्रिकेट मैचों में आमतौर पर यूज होते हैं। दरअसल अर्शदीप सिंह जब आखिरी ओवर करने आए तो मुंबई इंडियंस को 6 गेंदों में 16 रनों की जरूरत थी। अर्शदीप ने तीसरी गेंद बिल्कुल जड़ में डाली जो सीधे जाकर मिडिल स्टंप पर लगी। गेंद की रफ्तार का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यहां स्टंप के 2 टुकड़े हो गए। अगली ही गेंद पर अर्शदीप ने नेहल वडेरा का भी यही हाल किया। इस तरह लगातार 2 गेंदों में 2 झटके दिए और 2 स्टंप तोड़े। इस बीच अर्शदीप ने आईपीएल में 50 विकेट पूरे किए। 24 वर्षीय तेज गेंदबाज ने 44 आईपीएल मैचों में 53 विकेट लिए हैं।